तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना में वही लोग आवेदन कर सकते थे जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती नहीं होती थी। पर यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की तरफ से। यहाँ पे देख ले सकते हैं दोस्तों आप, अब जो है 2 हेक्टेयर से ज़्यादा खेती वाले भी किसान अब कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन। तो पूरी की पूरी खबर दोस्तों आपको इस वीडियो में मैं दूंगा, बहुत ही बड़ी खबर है आप सभी किसानों के लिए। तो बने रहे मेरे साथ वीडियो में लगातार दोस्तों, और साथ ही साथ छोटे से रिक्वेस्ट है, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर करें। तो देखिए दोस्तों इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको हम बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पीएम किसान स्कीम में हो चुका है बहुत बड़ा बदलाव। अब 2 करोड़ ज़्यादा किसानों के लिए जो खाते में आएंगे 6,000 रुपये जाए सब कुछ। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। इसका ऐलान पिछले साल किया गया था। इस योजना के तहत केंद्र सरकार किसानों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफ़र करती है डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से। इस स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त से आनी स्टार्ट हो जाएगी। वहीं इस स्कीम में बड़ा बदलाव हो चुका है। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने बताया कि जो है किसान प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना के दायरे में विस्तार किया गया है कि इससे 2 करोड़ और किसानों को 6,000 रुपये मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों इनमें 2 करोड़ ज़्यादा किसान को फ़ायदा कैसे मिलेगा, तो यहाँ देख सकते हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी का कहना है कि अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि के स्वामित्व की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। अब सभी भूमि जोत वाले किसान परिवारों को इसका फायदा मिलेगा। इस संशोधन से 2 करोड़ और किसानों को लाभ मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो बाध्यता इसमें थी, जो नियम थे कि 2 हेक्टेयर से अधिक जिनके पास जो है ज़मीन थी वो उसके लिए आवेदन नहीं कर सकते थे, उसके लिए पात्र नहीं माने जाते थे, तो यहाँ पे वो बाध्यता जो है अब हटा दी गई है। यहाँ पे सभी किसानों को यहाँ पे अब एक समान जो है उन्हें फ़ायदा दिया जाएगा। तो इसके लिए अब बड़े किसान भी यहाँ पे इसके लिए आवेदन कर सकते थे। यहाँ देखिए दोस्तों पूरा नोटिफिकेशन अभी यहाँ देख सकते हैं कि पूरी पूरी जानकारी में आपको बता दें कि यह केंद्र सरकार की स्कीम है। इसका ऐलान 1 फरवरी 2019 को आय बजट में किया गया था। इस स्कीम के तहत पहले छोटे और सीमांत किसान परिवारों को हर साल 6,000 रुपये दिए जाते थे। ऐसे किसान परिवार को इस योजना का लाभ मिलता जिनकी कुल ज़मीन 2 हेक्टेयर तक होती थी। अब इस बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं किसानों को 2,000 रुपये की 3 किस्तों में यह पैसा दिया जाता है। यह पैसा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के तहत सीधे किसान के खाते में डाल दिया जाता है। डीबीटी से पैसे ट्रांसफ़र की प्रक्रिया पारदर्शी रहती है, साथ ही किसान का भी काफ़ी समय बचता है। तो देखिए पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के तहत अगली किस्त 1 अगस्त से आनी चालू होगी। इस स्कीम में रजिस्ट्रेशन के बावजूद अगर किसी किसान के खाते में 2,000 रुपये की किस्त नहीं आ रही है तो वो घर बैठे अपने आवेदन का स्टेटस चेक कर सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल से। तो देखिए दोस्तों जल्दी से जल्दी जो है आप सभी किसान अपना जो है इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लें ताकि जो है 1 अगस्त से अगली किस्त इनका आ जाए बहुत ही। तो जैसा कि दोस्तों अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो इसे आप अपना ऑफलाइन तरीके से भी या फिर ऑनलाइन तरीके से भी यहां पे आप जो है आप आवेदन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के पोर्टल पर हम चलते हैं और तो यहां से देखिए दोस्तों पीएम किसान ने पोर्टल पर जब आप जाएँगे तो देखिए दोस्तों यहाँ से हम क्लिक करेंगे, ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल साइट पे आने के बाद यहाँ से देखिए यहाँ पे हमें एक फार्मर कॉर्नर का ऑप्शन दिखाई देगा तो इस पर हमें कर देना क्लिक दोस्तों। तो यहाँ पे जब आप क्लिक कर देंगे तो आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो है साथ में रखना दोस्तों, और सभी खेतौनी से लेकर के सभी जितने प्रूफ आपको यहाँ पर देने हैं, जितने डॉक्यूमेंट देने हैं सबको यहाँ पर जो है रख लेना दोस्तों। तो उसके बाद रखने के बाद यहाँ देखिए न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। तो न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से सर्वप्रथम आपको अपना आधार नंबर से ही यहाँ पे जो है इंटर करना होगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको अपना आधार नंबर डालना है और ये कैप्चर कोड यहाँ पे भर करके क्लिक हियर टू कंटिन्यू पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूरा का पूरा आवेदन फॉर्म निकल के आ जाएगा। यहाँ से आपको सभी चीज़ें सावधानी से भर देनी है देख करके। यहाँ पर आप नोट करें दोस्तों कि आपके आधार नंबर पर जितना नाम जैसा नाम लिखा है वैसा ही नाम आपको भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। सभी आधार नंबर चेक करके ही अपना स्पेलिंग सहित नाम उसमें भरें। तो इस तरीके से आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सभी किसानों के लिए। अब ये बहुत बड़ा ही फायदा हुआ है, यहाँ पे जो है 2 हेक्टेयर की बाध्यता को अब समाप्त कर दिया गया है। तो
काफ़ी बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सभी किसान अब यहाँ से अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है तो लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही साथ चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में नई जानकारी। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।